पहला दिन है और आज के श्रद्धालु माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करके नवरात्रि शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि एटा शहर की ठंडी सड़क पर स्थित प्राचीन पटवारी माता मंदिर और काली माता मंदिरों पर पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचकर जन टीवी जिला संवाददाता राज वर्मा ने मंदिरों पर महिलाओं के प्रति जिला प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की और पटवारी माता मंदिर की प्राचीनता के बारे में भी पुजारिन से जानकारी ली। और हम जब से हमारी मैरिज हुई है हम तब से यहाँ आ रहे हैं और इनका जल अभिषेक होता है। बाकी मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं पर ये मंदिर अपनी जगह अलग ही है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पूजा करने? हमें 16 साल हो गई है शादी को, तब से हम यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, हर वर्ष इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे? हाँ, ये आज तो बहुत कम है लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पैर रखने सुबह अभिषेक होता है, शाम को आरती होती है। नवरात्रों का आज से पहला दिन है, नवरात्रों की आज से शुरुआत है और अभी हम मौजूद हैं शहर के ठंडी सड़क पर काली मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ जो अपने सच्चे मन से जो प्रार्थना करता है, जो मुराद मांगता है वो पूरी की जाती है। मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हैं कि मंदिर पे लोगों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। और साथ ही बात करें पुलिस व्यवस्था की, तो इस बार पुलिस व्यवस्था दुरुस्त की गई है। यहाँ पर महिला सिपाही भी लगाई गई हैं और साथ ही पुरुष सिपाही भी लगाए गए हैं, जिससे कि कोई श्रद्धालु